पहले बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां दलित युवक की दबंगों ने जमकर पिटाई की। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दबंगों ने दलित युवक को जमकर पीटा। जाति सूचक शब्द का विरोध करने पर युवक की जमकर पिटाई। दबंगों ने दलित युवक को लाठी डंडों से पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई दलित की पिटाई। नौबस्ता थाना क्षेत्र की घटना है। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दबंगों ने दलित युवक को जमकर पीटा। जाति सूचक शब्द का विरोध करने पर युवक की जमकर पिटाई। दबंगों ने दलित युवक को लाठी डंडों से पीटा। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दबंगों ने दलित युवक को जमकर पीटा। जाति सूचक शब्द का विरोध करने पर दलित की पिटाई। सीसीटीवी में कैद हुई दबंगई की तस्वीरें। संवाददाता मधुर मोहन फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मधुर, दबंगों के खिलाफ पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? आपको बता दें, नौस्था के पूरा मामला है। यहाँ पर विजय नाम का एक व्यक्ति है, जिसको साफ खुद देख सकते हैं विजय की तरह डंडों से मारा जा रहा है, क्योंकि दलित है और दलित कहने का जो लोग पैरत है उनको बहुत काफी मारपीट की गई है। यहाँ पर एक जुआ संचालक है, जो जुआ करवाते हैं कमल और विमल तिवारी, जो कि अपराधी टाइप के व्यक्ति हैं। पुलिस से सालघाट रहती है, लेकिन पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं खिलाफ नहीं करी। कमल विमल इससे पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं, लेकिन आप देख सकते हैं किस प्रकार से मारपीट चल रही है, उसके बाद पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़ित है बराबर कल से लेकर अभी तक 12 घंटे हो गए हैं, चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जी जी मधुर, पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की अब तक? असल जो कमल विमल है उनका वो पुलिस के सालघाट में रहता है, पुलिस के मुखबिर है और पुलिस के साथ उसका बैठना अच्छा है, इसलिए पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और जो पीड़ित है वो बराबर चक्कर थाने लगा है, लेकिन अभी तक कार्रवाई भागते हैं तो पुलिस सिर्फ हाथ के हाथ धरे बैठी हुई है। जी मधुर, जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका।